तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं आज भारत के अंदर सबसे बड़ी चर्च किसकी है? आज भारत के अंदर जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, मगर दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा क्रिश्चियनों की संख्या कैसे बढ़ गई? आज भारत के अंदर हम जब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को देखते हैं तो दोस्तों उन मिनिस्ट्रियों के अंदर इतने सारे लोग आखिर आ कहाँ से गए? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भारत की ऐसी तीन बड़ी चर्चें और भारत के अंदर नंबर वन पर जो कि सबसे बड़ी चर्च है के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम जैसा कि देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी चर्चें खुल चुकी हैं। आज भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर की दिन प्रतिदिन सेवकाई को बढ़ा रहे हैं। आज भारत के अंदर बहुत सारे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते हैं। आज बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल कर जगह जगह पर जा जाकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारत के अंदर तो कभी प्रभु यीशु मसीह आए ही नहीं, मगर दोस्तों आज भारत के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम क्रिश्चियन लोगों को कैसे देखते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम था थोमा। वो परमेश्वर का सुसमाचार भारत के साउथ के अंदर लेकर आया था। तो दोस्तों, जब वह साउथ के अंदर परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर आया तो दोस्तों वह सुसमाचार फैलता फैलता इतना फैल गया कि आज आप देख सकते हैं 2023 के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चर्चें आप देखते हैं और बहुत सारे लोग आए संडे इन चर्चों को अटेंड करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आज भारत की सबसे बड़ी चर्च कौन सी है? तो दोस्तों, आपने बहुत सारी चर्चों को देखा होगा, मगर दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि आए संडे सबसे ज्यादा लोग कौन सी चर्च के अंदर पहुंचते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का सुसमाचार बहुत सारे लोगों ने पहुंचाया, मगर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जिन पादरियों के मैं नाम लेने वाला हूं, जिन पादरियों की हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चर्चें हैं, जिनके द्वारा ये चर्चें चलाई जाती है, मगर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये चर्चें केवल इन्हीं की मेहनत से नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के काम को किया। और बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा पंजाब के अंदर, पास्टर नरेश पोल के द्वारा बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार को सुना, बहुत सारी बड़ी बड़ी चर्चें उन्होंने लेनी भी शुरू कर दी थी और बहुत ज्यादा संख्या के अंदर उनके पास भी लोग पहुंचने लगे थे। आपको पता है, पंजाब में एक साजिश रची गई आज से कुछ साल पहले। उनको लगता था कि ये जो नरेश पोल है ना, क्रिश्चियन प्रचारक, इसको मार दो, अगर इसको मार देंगे तो प्रचार खत्म हो जाएगा। वो मर गया, प्रचार खत्म हुआ, वो खुदा के पास चला गया, क्रिश्चियन कम हुए। तुमने एक पॉल खत्म किया, उसने हजारों खड़े कर दिए। दोस्तों, आपने सुना होगा साधु सुंदर सिंह के बारे में भी। साधु सुंदर सिंह जो परमेश्वर के काम को करते थे, पैदल चल चल कर जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इतने सारे लोगों ने मेहनत की, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया और आज आप देख सकते हैं भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चर्चें। तो दोस्तों, नंबर तीन की अगर मैं बात करूँ तो नंबर तीन पर पास्टर अमृत संधू की मिनिस्ट्री को आप देख सकते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, सच में परमेश्वर अमृत संधु के द्वारा भी बहुत ज्यादा परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर दो, जिनका नाम है प्रॉफिट बजिंदर सिंह। प्रॉफिट बजिंदर सिंह को आज बहुत सारे लोग जानते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के द्वारा बहुत सारे काम परमेश्वर ने किए और बहुत से बड़ी बड़ी चंगाइयां परमेश्वर ने उनके द्वारा की। आज आप देख सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह की चर्च के अंदर भी बहुत आय से लोग पहुंचते हैं, आए संडे लोग अटेंड करते हैं इनकी चर्च को। और दोस्तों, सच में परमेश्वर इनके द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम करता है और आप देख सकते हैं आए संडे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करती है। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर का काम आज भारत के अंदर किस रीति से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर एक पर, जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, अपोस्टल अंकुर नरोला मिनिस्ट्री। तो दोस्तों, आज सच में परमेश्वर अपोस्टल अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करता है और दोस्तों सच में परमेश्वर
उनकी मिनिस्ट्री को आए दिन बढ़ाता ही जा रहा है। आज आप देख सकते हैं आए संडे इतने सारे लोग परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरला की मिनिस्ट्री के अंदर पहुंचते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम ये नहीं देखते कि किसकी मिनिस्ट्री बड़ी है, किसकी मिनिस्ट्री छोटी है, मगर दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुँचा, हमें उन तक भी परमेश्वर का सुसमाचार पहुँचाना चाहिए, क्योंकि जैसा बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरे सुसमाचार सुनाओ। तो दोस्तों सच में हमें ये काम करना चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिन लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं पता, उन लोगों को हमें परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां बनती हैं, मगर दोस्तों आज हम उन गवाहियों को नहीं देते। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है, तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप हमें व्हाट्सएप करें, अपनी गवाही के बारे में बताएं। तो दोस्तों ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिन लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं पता, वह लोग भी आपकी गवाही के द्वारा बच सके, वह लोग भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुन सके आपकी गवाही के द्वारा। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें।